क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी कहाँ हैं आप, किस लिए आए थे यहाँ? मैं यहाँ पे बच्चे को इंजेक्शन लगवाने आया था, कुत्ता काट गया था उसके लिए। जी लग गया? हाँ इंजेक्शन तो लग गया, लेकिन प्रशासन से कोई, यानी कि हॉस्पिटल से कोई मदद नहीं मिली है, बाहर से खरीद के लगवाया है मैंने। तीन इंजेक्शन लगा, तीसरा इंजेक्शन लगा था। क्या कहना है आपने, बात करी, क्या कहना है लोगों का? इनका ये कहना है कि भाई सामने से, मतलब ऊपर से, इनके ऊपर जहाँ से भी इनके आने की आता होगा वहाँ से, यानी कि जो है इन्हें नहीं मिल रहा है। अब इनकी तो जिम्मेदारी बनती है कि ऊपर इन्हें रोज, यानी कि कुछ ना कुछ लेटर लिखे, तो जब कुछ ना कुछ तो प्रशासन सोचेगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं सोचेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि सारी दवाएं जिला अस्पताल से मिलेंगी, निःशुल्क मिलेंगी। अब योगी जी तो यानी कि दो दिन हुए ना बैठे हुए, लेकिन सपा सरकार ने क्या किया है, उनसे पूछिए ना कि पाँच साल में उन्होंने कितनी यानी कि फैसिलिटी, यानी कि प्रशासन इनको दी है, तभी तो ये हमें देंगे ना फैसिलिटी। तो सपा सरकार ने यानी कि पूरा यानी कि पैसा खा गए भाई, पैसा तो वही खाए था, यही क्या कर लेंगे इनसे हम लड़के, क्या क्या हासिल कर लेंगे। योगी जी उम्मीद है आपको कि जल्दी दवाई आएंगे? हाँ बिल्कुल, योगी जी से बिल्कुल उम्मीद है। ये तो नहीं कह सकता कितने दिन में प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन ये है कि यानी कि आने वाले समय में सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड होंगी यहाँ पे।